بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين ملك الحاربين رب الشهداء والصديقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب درب النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والأذكار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرغبية والجود التاقبية والنقابة الناقبية والحيبة الأسكرية القائم بلا حال اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فضلك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك قدشت ابن حسن صلواتك عليه وعلى أربعين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والله يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری عزیز مائیں بہنیں قرآن مجید کی دو آیتوں کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سب سے پہلے تو سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیت اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 اس دو آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ اس 10 دنوں میں ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو آج چونکہ میری پہلی مجلس ہے تنقیدی مجلس ہے میں کوشش کروں گی کہ اس موضوع پر انشاءاللہ اس عشرے میں ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے موضوع کو واضح کر دیا جائے سب سے پہلے تو آیت کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے یہ محبت اور دوستی کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ سیاہ پوش ہو گئے ہیں ہم ایام عزا کی تیاری کے لیے استقبالیہ مجلسوں میں شرکت کی ہم نے جیسے مہمان ہوتے ہیں ایسا استقبال ہوتا ہے 3 دن پہلے سے ہم نے کالے لباس پہنے فرش عزا بچھایا مولا
हम आपको वेलकम कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि आया अज़ादारा में सैयद शुहदा और मौला के मुहिबों की कोई जिम्मेदारी भी है या सिर्फ सियाह पोश हो जाना, काले कपड़े पहन लेना हमें और आपको जिम्मेदारी से पारित कर देता है। मेरी अजीज माए बहने, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में एक मौला का मुहिब कैसा होना चाहिए, मुहिब अली और मुहिब अहले बैत कैसा होना चाहिए और इसके फजाइल क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जब फजाइल की बात आती है तो हमारे दिल खुश हो जाते हैं, लेकिन इस मजलिसों में हम जब मुहिब अहले बैत की खसलतों को देखेंगे तो मछी अजाब हाथ रख के तौफीकात में इजाफा मांगेंगे कि बीबी हमें तौफीक मिले। शहजादी आप इस मजलिसों में शिरकत करती है, हमें अपने अंदर उन खसूसियात को पैदा करने की तौफीक मिले, हम अपने अंदर ऐसी खसलतों को पैदा करें हकीकत में हम वही पहले बैत कहलाए जाए। अजीजों इस 10 दिनों में जो मेरा मौजू रहेगा, अगर हम वही पहले बैत है तो क्या ज़रूरी है कि वही पहले बैत में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो आयत तो ये बताती है कुरान मजीद की, डायरेक्ट हदीस की तरफ नहीं जाऊंगी, पहले कुरान की आयत और हदीस की रोशनी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 में परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, मेरे हबीब इन लोगों से कह दो जो ये कहते हैं कि हम खुदा तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत का दावा करते हैं, फत्तबिउनी, उनसे कह दो कि वो रसूल तेरी इताअत करें। यानी खुदा कुरान में भी कहता है कि मोहब्बत का दावा हम कबूल नहीं करेंगे जब तक तुम रसूल अल्लाह की इताअत नहीं करोगे, और अगर हम इताअत करेंगे तो खुदा हमें क्या देगा। फत्तबिउनी, मेरे हबीब उनसे कह दो वो तेरी इताअत करे। वल्लाहु अलैकुम सलाम, वल्लाहु युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिरुलकुम ज़ुनूबकुम। परवरदिगार आलम कहता है कि अगर तुम मोहब्बत करोगे, दावा करते हो, अगर तुम इताअत करोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम इताअत करोगे तो खुदा तुम्हें इताअत पर ऐसे छोड़ देगा, वल्लाहु युहिब्बुकुमुल्लाह, खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फिरुलकुम ज़ुनूबकुम, न सिर्फ तुमसे मोहब्बत करेगा तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। और रसूल अल्लाह की इताअत खुदावंद आलम ने कुरान में हमें खुला हुक्म दे दिया। सूरह शुरा की आयत नंबर 23 में परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुरबा, मेरे हबीब कह दो अजर रिसालत के तौर पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। हमने काले कपड़े पहन लिए तो हम समझ गए कि हमने मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। अब आइए रसूल अल्लाह की हदीस के ऊपर, फत्तबिउनी, कुरान कहता है रसूल की इताअत करो, रसूल कहते हैं कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुरबा, अगर तुम अजर रिसालत अदा करना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। हमने काले कपड़े पहन के कह दिया कि या रसूल अल्लाह हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, हमने अपनी खुशियों को छोड़ दिया, आपके गमों को हमने तरजीह दे दी, हम काले कपड़े पहन के मजलिसों में शिरकत करते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि रसूल अल्लाह की हदीस अगर आप बड़ी तवज्जो के साथ सुने, रोज़ाना इंशाल्लाह इसी हदीस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो मेरी अहले बैत को मंसूस मिन अल्लाह इमामों से मोहब्बत करेगा, अहले बैत यानी रसूल अल्लाह ने यह भी बता दिया मेरे घर वाले कौन कौन है, जो मंसूस मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से इमाम जी ने बनाया गया उनसे जो मोहब्बत करेगा, उनको जो मंसूस मिन अल्लाह समझेगा उनकी मोहब्बत को अपने दिल में जगा देगा। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जब कयामत का दिन आएगा तो परवरदिगार आलम उससे मुखातिब होगा, खुदा उसको आवाज़ दे के कहेगा, क्या कहेगा परवरदिगार, अगर हमने मंसूस मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से इन इमामों को इमाम मान लिया, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दे दी। तो रसूल अल्लाह अपनी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, आयतुल्लाह दस्तदेव शिराजी शहीद मेहराब अपनी किताब में इस हदीस को नक़ल करते हैं, कहते हैं कि परवरदिगार आलम कहेगा कि ऐ मुहिब अहले बैत, चूँकि तेरे दिल में हुब अहले बैत है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई तेरे लिए है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई तेरे लिए है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज तू जन्नत का हकदार बन चुका है, यानी कयामत के दिन खुदा हमें जन्नत का परवाना देगा अगर अहले बैत की मोहब्बत दी है। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं, हदीस अभी मुकम्मल
नहीं हुई, इसी आखिरी टुकड़े पर रोजाना हम गुफ्तगू करेंगे। रसूल अल्लाह कहते हैं कि इसलिए कि अहले बैत की मोहब्बत जिन दिलों में होती है ना, वो इंसान 20 खसलतों का मालिक होता है। देखिए शिया होना बुलंद दर्जा है, हम ये कहें हम कहाँ शिया है, हम तो मुहिद है। अगर मुहिद बन गए फिर भी 20 खसलतें जिसमें से 10 दुनिया में और 10 आखिरत में। अब इस अशरे में मेरा मौजू ये रहेगा कि दुनिया में वो 10 खसलतें कौन कौन सी है जो मुहिद अहले बैत में होनी चाहिए। अगर ये 10 खसलतें आ गई तो आखिरत की 10 खसलतें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगी, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, दुनिया के लिए करना है। कोशिश करूंगी अगर 10 कंप्लीट हो जाएगी तो आखिरी मजलिस में वो आखिरत की 10 खसलतें भी मैं बयान कर दूँ। रोजाना एक एक क्वालिटी, एक एक सिफत अहले बैत के मुहित कैसे होने चाहिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कयामत के दिन खुदा कहेगा आखिरत की और दुनिया की तमाम भलाई तेरे लिए, इसमें कोई शक नहीं, तो अहले जन्नत है। अभी तो हिसाब व किताब नहीं हुआ, मीजान कायम नहीं हुआ, अब महशर का मैदान है और इसे कहा जाएगा कि तू अहले जन्नत हो गया, इसलिए कि दुनिया में इसके अंदर 10 खसलतें पाई जाती थी। और वो कौन सी 10 खसलतें? अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुहिब अहले बैत में दुनिया में जो 10 खसलतें पाई जाती है उसमें से सबसे पहली खसलत ये है कि मुहिब अहले बैत अज़्ज़ुहदु फिद दुनिया, वो दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करता है, वो दुनिया में ज़ाहिद होता है। अब ज़ुहद किसे कहते हैं, ज़ुहद की डेफिनेशन क्या है? अजीजो उसूल काफी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 67 67 नंबर का सफा, एक शख्स अमीरुल मोमिनीन के पास आया, या अली मुझे नसीहत कीजिए, मौला ऐसी नसीहत कीजिए कि मैं नजात पा जाऊँ, मुझे नजात मिल जाए। नजात पाने के चक्कर में हम और आप भी हैं, वो भी है नजात पाना चाहता है। हम दुनिया की मुसीबतों से नजात पाना चाहते हैं, दुनिया की तकलीफों से नजात पाना चाहते हैं, दुनिया की परेशानियों से नजात पाना चाहता है। और वो किस चीज़ से नजात पाना चाहता है? महशर के मैदान की सख्तियों से नजात पाना चाहता है। और खुश नसीब है वो इंसान जो अपनी आखिरत को दुनिया पर अहमियत दे, दुनिया पर प्रायोरिटी दे अपनी आखिरत को, इसलिए कि दुनिया गुजरगाह की तरह से, अजीज एक मुसाफिर खाने की तरह से, जहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं रहना है ना, वहाँ के लिए हम ज़्यादा शिकायतें नहीं करते। मिसाल के तौर पे ज़्यारत के लिए गए, ताजमहल में 2 दिन रुकना है, आपको जैसा भी मुसाफिर खाना मिला, ज़्यादातर लोग शिकायत नहीं करते। क्यों? ये हमेशा रहने की जगह थोड़ी सी है अजीजो, ये दुनिया भी हमेशा रहने की जगह नहीं है। ज़्यादातर झगड़े क्यों होते, घर में मेल नहीं चलती, चलेगा ना चले क्या फर्क पड़ता है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह थोड़ी है। सास सास बन के अगर घर में अपनी हुकूमत कायम करना चाहे, कितने साल हुकूमत कायम करेगी? 20 साल, 25 साल, 50 साल? एक दिन आएगा ये घर छोड़ के उसे जाना पड़ेगा। बहू बहू बन के आए और घर में अपना रोग जमाना चाहे, कितने साल रोग जमाएंगे? 50 साल? बहुत ज़्यादा बता दिए गए अजीजों, हुकूमतें बदलती रहती है, दुनिया की फिक्र न करें, ज़्यादा दिल में भी न रहे। अली का हकीकी चाहने वाला कौन है? मौला मुझे नसीहत कीजिए। वापस पलट के गुफ्तगू कहाँ से चली थी? उसूल काफी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 67। मौला मुझे नसीहत कीजिए, ऐसी नसीहत से मैं नजात पा जाऊँ, काश हम भी अपनी नजात की फिक्र कर ले, यानी ऐसी नसीहत की मुझे नजात मिल जाए। मौला ने कहा अगर नसीहत सुनना चाहता है तो कान लगा के सुन। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उसको 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। अब हम और आप फैसला करें हम किस कैटेगरी में हैं, हम कौन से गिरोह में शामिल होते हैं। मौला कहते हैं दुनिया के लोग 3 कैटेगरीज के हैं, 3 किस्म के हैं। सबसे पहली किस्म जो है वो रागिब है, दूसरी किस्म साबिर है, तीसरी किस्म जाहिद है। तुम सोचो तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो। सबसे पहले इमाम कहते हैं रागिब, रागिब यानी कौन? रगबत करने वाला। ये दुनिया को हमेशा तलब करता रहता है, जब उसे दुनिया मिल जाए तो नहीं देखता हलाल है हराम है, मेरे लिए जायज़ है मेरे लिए जायज़ नहीं है, वो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ता है, दुनिया को तलब करता है। राखी वो है जो दुनिया की तरफ रगबत करता है, ना हलाल देखता है ना हराम देखता है, चाहे उसकी इज्जत चली जाए शोहरत खत्म हो जाए, ये किसी चीज़ की फिक्र नहीं करता, सिर्फ माले दुनिया की परवाह करता है।
और इसी तरह इमाम कहते हैं जलालत की गुमराहियों में पड़ा रहता है, इस दुनिया से चला जाता है। दुनिया दुनिया दुनिया, दुनिया में अच्छा घर मिले, दुनिया में अच्छा लिबास मिले, दुनिया में सब कुछ मिले, रगबत करता है दुनिया की तरफ। ये राहिब है, ये कौन है इमाम कहते हैं गुमराही और जलालत में पड़ा रहता है पूरी जिंदगी। दूसरी कैटेगरी साबिर की है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में साबिरों के लिए क्या कहता है, सूरह आले इमरान 146 नंबर की आयत में परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। फिर इसके बाद सूरह आले इमरान की आयत 146 परवरदिगार आलम कहता है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, परवरदिगार आलम सब्र करने वाले को दोस्त रखता है। कभी कहता है तकवा इख्तियार करने वाले को दोस्त रखता है, कभी कहता है सब्र इख्तियार करने वाले को खुदा दोस्त रखता है, खुदा मोहब्बत करता है। कौन है सब्र करने वाला? मैं भी कहती हूँ अपने आप को सब्र करने वाली, आप भी कहते हैं अपने आप को सब्र करने वाली। इमाम किसे कहते हैं साबिर, इमाम किसे कहते हैं सब्र करने वाला? इमाम कहते हैं दूसरी कैटेगरी साबिरों की। कौन है सब्र करने वाला? इमाम कहते ये वो है, ऐसा नहीं है कि दुनिया को तलब नहीं करता, ये दुनिया को तलब करता है, दुनिया को मांगता है। जब खुदा उसे दुनिया अता कर देता है तो अपने नफ्स को दुनिया से रोकता रहता है। ऐसा नहीं है कि साबिरों के पास बड़ा घर नहीं है, बड़ा घर तो है लेकिन ये बड़ा घर उसके अंदर घमंड और तकब्बुर पैदा नहीं करता। ऐसा नहीं है दुनिया नहीं है उसके पास, दुनिया तो है लेकिन दुनिया को इतनी अहमियत नहीं देता है, ये दुनिया को तलब करता है। दुनिया जब उसे मिल जाती है तो अपने नफ्स को दुनिया से बचाता रहता है, कहीं मेरी आखिरत बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरी आकिबत बर्बाद ना हो जाए। और इमाम कहते हैं जब तुम उसके दिल की कैफियत को जान लो तो तुम्हें रश्क होने लगे। कैसा अली का चाहने वाला है? कौन? साबिर, सब्र करने वाला। दुनिया मिले लेकिन अपने दामन को, अपने नफ्स को दुनिया से बचाता रहता है, कहीं मेरी आखिरत बर्बाद ना हो जाए। तीसरी कैटेगरी जाहिद लोगों की है। ये कौन है जोहद इख्तियार करने वाले? जिसके लिए इमाम कहते हैं चाहे दुनिया मिले या न मिले इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया मिले तो इतराते नहीं है, वो कदम उठ के चलना शुरू नहीं कर देते हैं कि अब लोग मुझे सलाम करें, मेरे पास पैसा है। दुनिया न मिले तो शिकायतें नहीं करते हैं, मेरी अजीज मायरे है। इसी चीज का जिक्र है। जोहद किसे, जाहिद किसे कहते हैं? आज तो तकरीबन इतना वक्त नहीं है, वक्त मेरा खत्म हो चुका, कल इंशाल्लाह एक ऐसे जाहिद शख्स का वाक्या मैं आपको सुनाऊंगी ताकि मुझे और आपको पता चले असल में जोहद कैसे कहते किसे है और जोहद की डेफिनेशन, जोहद किसे कहते हैं। परवरदिगार आलम सूरह हदीद कुरान मजीद का 57 नंबर का सूरह आयत नंबर 23 में उन लोगों के बारे में जिक्र करता है, ये वो लोग हैं लेकैला तासव अलामाता तुम वला तफरहु बेमाता तुम। ये वो लोग हैं जिसे अगर दुनिया दे दी जाए, लेकैला तासव अलामाता तुम, अगर दुनिया उससे ले ली जाए, दुनिया उससे छीन ली जाए तभी वो शिकायत नहीं करते। वला तफरहु बेमाता तुम, पूरी दुनिया का मालिक उससे बना दिया जाए वो कभी खुश नहीं होते हैं। दुनिया मिले न मिले उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनका असल मकसद हदफ मेयार आखिरत होती है। मेरी अजीज मालिक हो, जिस आखिरत की रगबत में, जिस आखिरत की तड़प में, जिस आखिरत की तमन्ना में आका सैयद शोदा ने मदीना छोड़ा, और आका सैयद शोदा जिनके मसाइल में गिरिया करना शेख अब्बास उम्मीद अपनी किताब नफसुल महमूम बयान करते हैं, एक गम भरी आह लेना तस्बीह का सवाल रखता है। और अगर कोई चाहता है कि जन्नत में उनके साथ रहे, दो सफ़े की तूलानी हदीस जिसमें से सिर्फ मैं दो जुमले आपको बताना चाहती हूँ। जब रयान बिन शबीब से इमाम रजा की मुलाकात हुई, इमाम रजा ने कहा था यबन शबीब माहे अजा के दिन करीब आ चुके हैं, यबन शबीब अगर तुम चाहते हो कि जन्नत में हमारे साथ रहो, हमारे हम मुकाम रहो,
हमारे साथ तुम्हें जन्नत में जगह मिले। तो यमन शरीर ऐ वैज्ञानिक शरीर, हमारे गमों में गमगीन हो जाओ, हमारे खुशियों में खुश हो जाओ, हमारे गमों में अपने आप को गमगीन बनाओ। और वैज्ञानिक शरीर से जो इमाम ने सबसे पहला जुमला कहा कि जब दुनिया के गम तुम्हें सताए, परेशान करे, जब तुम गमगीन हो जाओ, तो ये अपना शरीर तुम्हें चाहिए मेरे जद हुसैन की मुसीबतों पर तुम गिरिया करो। इमाम हुसैन की मुसीबतों पर गिरिया करने की इतनी ज्यादा फजीलत की है, इतनी ज्यादा फजीलत। कभी छठे इमाम कहते एक आंसू का कतरा अगर रुखसार के ऊपर से बहने लगे, कितना छोटा है, मच्छर के पर के बराबर, खुदा तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, जन्नत को वाजिब करार देगा। इतनी ज्यादा फजीलत मसाइले सैयद शहदा में रोने की क्यों है? मैं तो गाली देने को जब मैंने सोचना शुरू किया, क्या एक से लेके 11 इमामों को शहीद नहीं किया? लेकिन मुझे बताइए किसी इमाम का चेलुम मना दे, किसी इमाम का 10वां 20वां चेलुम 30वां, हर इमाम मंसूस में अल्लाह है। लेकिन इमाम हुसैन की फजीलत ही कुछ जुदा है। कभी रसूल अल्लाह फजाइल बयान कर रहे हैं, कभी अमीर मोमिनीन फजाइल बयान करते हैं। मेरे जहन में जो वजह आई वो ये है कि जैसा हुसैन मेरा मौला गरीब था, ऐसा 11 इमामों में कोई गरीब नहीं था। कैसा गरीब? जब मरसिए में पढ़ा जाता है ना, हुसैन अल गरीब वल गरीब अल हुसैन, मुझे लगता है शायद इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। मैं आपको मिसाल देके आज के जो मसाइल है उसकी तरफ जाना चाहती हूँ। खुदा न करे, खुदा न करे, यहाँ से हम बाहर निकले, सड़क पे किसी का जनाजा पड़ा हुआ है, आइडेंटिटी के लिए फोटो डाले गए, फोटोज डाले गए, किसका जनाजा है, किसका रिश्तेदार है, कुछ भी न पता चले, कौन है, मुसलमान है, हिंदू है, शिया है, कौन है, कुछ पता न चले, क्या उसका जनाजा में गौर पकड़ पड़ा रहेगा? नहीं, तो कहेंगे मजहब वाले उठाएंगे, उसे दफन करेंगे, उसके जनाजे को अर्थी उठाएंगे, कंधा देंगे, उसे जलाएंगे, दफन करेंगे। गौरव कफन लाशा ला वारिस का तो नहीं छोड़ा जाता है जिसका कोई वारिस न हो, लेकिन हुसैन का वारिस मौजूद था कर्बला में। फिर भी किस बेदर्दी के साथ हुसैन को शहीद करके लाशा में गौरव कफन छोड़ दिया था? हाय मौला, आपकी गुर्बत में हमारी जाने कुर्बान हो जाए, जिसके जिस्म पर न लिबास रहने दिया, जिसके जिस्म पर न आमामा रहने दिया, जिसके पैरों से न लैद उतार ली गई, हत्ता के बेगौरों को मन लाशा खोड़े की उठा मुझसे बाहर। अजरों को मन अल्लाह, गरीब भी हुसैन है, मजलूम भी हुसैन है, शहीद भी हुसैन है, ऐसी मजलूमियत के साथ शहीद कर दिए गए हुसैन कि हुसैन से पहले और न हुसैन के बाद ऐसी गुर्बत की दुनिया में कोई मिसाल मिली, न ऐसे जुल्म की कोई मिसाल मिली। 28 रजब का दिन आया जब मेरा मौला मदीने से रुखसत होके निकलने लगा, एक फहरिस्त तैयार हुई थी, कौन जाएगा और कौन साथ नहीं जाएगा। रोने वाली माँ बहने, जाने वालों में 6 महीने के बच्चे, अभी तो 6 महीने का नहीं हुआ, चंद दिन का बच्चा था जिसे कर्बला में 6 महीने की कुर्बानी पेश करनी थी, चंद दिन के बच्चे अली असगर का भी नाम है, अगर किसी का नाम नहीं है तो किसका नहीं है? एक बीमार बेटी है जिसका नाम समर। मसाइल को समझने के लिए एक मिसाल देना चाहती हूँ। खुदा करे मौला हम सबको बार बार कर्बला की ज़ियारत नसीब करे, लेकिन मेरी दुआ है जब ज़ियारत पे जाओ नाज़िम तो अपने बच्चों को साथ लेके जाओ, अपने घर वालों के साथ जाओ, कभी ऐसा हो कि बच्चों को साथ लेके हम ज़ियारत पे न जा सके। वक्त और हालात की कुछ मजबूरियां रही हो, माँ बाप को कदम कदम पे अपनी औलाद में
जाती है। जब मौला के रोजे पे पहुँचते हैं तो जालियों को पकड़ के पहले बरियाद नहीं करते, मौला अब की बार तो आ गए, अब खुलाना तो मैंने बच्चों के साथ बुलाना, अब मुझे दिन में हाथ रख के जला लेना कि हुसैन के सीने में मां का दिल नहीं था। किस दिल से सुमरा को मदीने में छोड़ा होगा, जनाबे सुमरा कहती रही बाबा हमारी न मांगोगी सवारी न मांगोगी, पैदल चलोगी बाबा प्यासों को पानी पिलाऊंगी, मुझे भी साथ लेके चलिए, मशीयत परवरदिगार है, इमाम हुसैन सुमरा को साथ लेकर नहीं जा सकते। जनाबे ज़ैनब तसल्ली देती है सुमरा, सुमरा मेरी बेटी तू बीमार है, सफर की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी बेटी सुमरा बहुत जल्दी हम वापस आ जाएंगे, लेकिन रोने वाली माँ बहने कैसे सुमरा को बताया जाए, इसलिए कि बेटी बाप के जिगर का टुकड़ा होती है, जब बाप परदेश जाता है ना बेटियां गिन गिन के निकल आती है, 3 दिन के बाद मेरा बाबा वापस आ जाएगा, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, लेकिन वो बेटी जिसे पता हो मेरा बाबा जिंदा पलट के वापस नहीं आएगा, किस दिल से अपने बाप को रुखसत करती है। रोने वाली माए बहने, मदीने से मदीने की रूह जुदा हो रही है, हमने मौला को अपना मेहमान बनाया है ना, तो दुआएं करें मेहमान राजी हो के मौला अशकों की ऐसी रवानी अदा कीजिए कि मसाइब का रोने का वक्त कदम कर सके। रोने वाली माए बहने, जैसे ही इमाम ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी, कामिला तैयार हुआ, रसूल अल्लाह की एक जोजा जिसका नाम उम्मे सलमा था, उम्मे सलमा जनाबे इमाम हुसैन के पास आई, आके कहती है मेरे लाल हुसैन कहाँ का इरादा है। जब भी इमाम सफर पे जाते थे ना, उम्मे सलमा बेचैन हो जाती थी, मेरा मौला कभी कहता है नानी मैं ताइफ जा रहा हूँ, कभी कहता नानी मैं काबा जा रहा हूँ, कभी अलग अलग शहरों के नाम लेते। आज जब पूछा ना नानी ने हुसैन कहाँ का इरादा है, कहाँ मेरे कहाँ मेरे लाल कहाँ का इरादा है, इमाम हुसैन के नानी में कर्बला जा रहा हूँ, कर्बला का नाम आया, उम्मे सलमा कहती है मेरे लाल मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मैंने तेरे नाना से सुना है हुसैन जब कर्बला जाए तो उम्मे सलमा फिर जिंदा पलट के वापस नहीं आएगा, इराक का सफर कर्बला का सफर बड़ा मुश्किल होगा, मेरे लाल क्या कर्बला का इरादा है। कहा नानी जिगर के टुकड़ों की बस्ती बसाने हुसैन कर्बला जा रहा है, जो जो ज्यारत के लिए तरफ है उनके लिए मैं ये मसाइल नजर कर रही हूँ, इसलिए कि उम्मे सलमा ने जैसे ही कहा मेरे लाल क्या कर्बों बला जा रहे हो, कहा नानी कर्बों बला जिगर के टुकड़ों की बस्ती बसा रहे हो। नानी क्या आप उस जमीन को देखना चाहती हो, इमाम ने एजाज से कर्बला दिखाया, अब जो उम्मे सलमा ने देखा, 1 18 साल का जवान है, सीने में बंशी की चोटी हुई अली है, और 57 साल का बूढ़ा बाप है, खुदा जवानों को सलामत रखे, ये इम्तिहान इतना मुश्किल था, इमाम हुसैन ने जो मरसिया पड़ा है, अकबर तेरे बाद ये जिंदगी खाक है बेटा। 18 साल के जवान के सीने में बलची है और 57 साल का बूढ़ा बाप ठोकरे खा रहा है। उम्मे सलमा के भी है हुसैन ये कौन है, कानानी नहीं मर जाना, ये मेरा अकबर है जिसके सीने में बलची की अली और वो ज़ईफ़ बाप का हुसैन है,
शर्मा को मदीने में रह के करबो बला दिखा दिया। हम भी तड़प रहे हैं आपका रोजा देखने के लिए। जो जो मतमनी है ज़ियारत के, जो तड़प रहे हैं ज़ियारत के लिए, मौला जिनके पास कोई असबाब जल्द से जल्द उन्हें मौला की ज़री चूमना नसीब हो। जो जाके आए उन्हें बार बार मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब हो। उम्मे सलमा को जब दूसरा मंजर दिखाया इमाम ने, अब जो उम्मे सलमा ने देखा, 6 महीने के बच्चे के गले में 3 बार का तीर है। एक ज़रीब है जो कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे हटता है। अभी तो मुझे दिल पे हाथ रखे इतना जवाब देना, खुदा न करे, खुदा न करे दुनिया में कोई माँ बाप औलाद से जुदाई का इम्तिहान। माँ बाप अपने बच्चों के लाशें नहीं उठाते हैं, ये हुसैन की गुर्बत और मजदूर है। कभी अकबर का लाशा, कभी अली असगर का लाशा, आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। टूटी हुई जन्नत पति को मकबरे में तब्दील करने, अपनी आखिरी हिज्जत के ज़मीर में ताजील करवाए। महबूब तुझे वास्ता उस मौला हुसैन का, जिसने उनके सलमा को वो मंजर दिखाए, मोजिस जमाए हुसैन, बस क्योंकि ज़ियारत के मतमनी है। चंद जुमले मसाइल के अजीजों दुआ कबूल होने का वक्त, इंशाल्लाह कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। सबसे पहले दुआ इमाम के ज़रूर की दुआ। उम्मे सलमा को इमाम ने तमाम करबला की शहादतें दिखाई, लेकिन एक मंजर ऐसा था जिसे उम्मे सलमा बर्दाश्त न कर सकी। इसी शहादत पर यह ने कहा कि बस हुसैन, बस और तेरी नानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन एक मंजर ऐसा था, बस हुसैन अब मेरे मंजर नहीं देख सकती। और वो कौन सा मंजर था? हुसैन की गुर्बत मुझे और आपको समझ में आए। उम्मे सलमा ने देखा एक ज़लीफ है, तीर तलवार नैज़े और पत्थरों के ज़ख्म है। इमाम ज़माना ज़ियारत और नाज़िम सलाम बोलते, जिसका लाशा नज़दीक और नाम नज़दीक है। चिल्ले ज़ैनबिया पर एक बहन खड़ी होती है, मदीने का एक घर के नाना आपका हुसैन पतले सब्र हो रहा है। एक बीवी है जो मदीने का रुख है कि किसी को मदद के लिए बुला रही है। उम्मे सलमा कहती है बस हुसैन, बस अब मैं ये मंजर नहीं देख सकती। बस इतना बता दे हुसैन वो कौन था जो इतनी बेदर्दी से शहीद किया जा रहा था, जिसको तीर पे तलवारों के वार किए जा रहे थे, तलवारों पे पत्थर के वार किए जा रहे थे, जिसके जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा था, जिस्म में कोई जगह खाली नहीं थी जहाँ पे जख्म न दबे हो। उम्मे सलमा से मेरे मौला ने कहा, नाम ही वो आपका हुसैन है, जिसे करबला में इस बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। माबूद तुझे वास्ता मौला हुसैन की गुर्बत का, तुझे वास्ता मौला हुसैन के जख्मों का, और जख्मों से बहने वाले खून का तुझे वास्ता। परवरदिगारा जो जो परेशान हाल इस बज़्म में आके बैठे,
इस बज्म से उठने से पहले हमारी तमाम परेशानियों को दूर करना है। मोहम्मद इनकी हरेक दिली चाइस कदमाओं को पूरा करना है, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत करना है। الحمد لله رب العالمين.